नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुजफ्फरपुर में अकफोरबा कांड हो गया, जिसमें लगभग 19 से ज़्यादा लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस मामले को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उठाया, जिसके बाद बिहार सरकार की आँखें खुली और सभी मरीजों को इलाज करवाने कि पहल सरकार ने की और आईजीएमएस अस्पताल को इसके लिए चुना गया और आईजीएमएस अस्पताल को इसके लिए जिम्मेदारी दी गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, आईजीएमएस में किस तरह से जो भी मरीज यहां पर आएंगे अपने आँख का इलाज करने के लिए, उसके लिए तैयारी की गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया, मुजफ्फरपुर से कुल 9 मरीज आईजीएमएस आएंगे। सुनिए वह क्या कुछ बोल रहे हैं। निदेश जी और सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने भी मरीज आएंगे इनको हम लोग एक ही जगह इनकी परीक्षा भी की जाएगी, इनकी जांच के बाद जो भी टेस्ट करना है उसकी व्यवस्था भी की गई है और इसके बाद फिर जो भी ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन सबकी व्यवस्था एक ही छत के नीचे एक ही जगह की गई, जो भी इलाज होगा वो इसी फ्लोर पर होगा। तो सारे मरीज के लिए स्पेशल एक रूम दिया गया है, वार्ड बनाया गया है, इसी वार्ड में हर तरह की सुविधा आप पीछे देख सकते हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन सक्शन वगैरह सब के इंतजाम है। अगर ऐसा भी कोई जरूरत पड़ा कि जिसको साथ में और भी कोई बीमार है, ऑक्सीजन सक्शन सब व्यवस्था हो सकती है, आईसी की फैसिलिटी भी हो तो हम लोग यहाँ दे सकते। तो आपने सुना प्रत्यय अमृत जी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ बोला है कि इसी वार्ड में यहीं पर सभी चीज़ें की व्यवस्था की गई है, जो भी पेशेंट आएंगे उन सभी का इलाज एक ही जगह होगा और कोई भी बीमारी होगी तो उसका भी इलाज होगा। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है इन लोगों का, इनके साथ अगर कोई इनके रिश्तेदार भी आते हैं तो खाने पीने रहने का व्यवस्था पूरा बिहार सरकार उठाएगी। आपने देखा किस तरह से IGIMS हॉस्पिटल अब उन्होंने कमर कस लिया है कि जो भी लोग आएंगे उनका इलाज अच्छी तरह से। आइए कुछ और अधिकारियों से बात करते हैं उनसे, जहाँ पर ये हुआ है और जो जांच में जो बातें सामने में आई हैं तो आप लोग अवगत हैं, प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और फर्दर आज सभी सिविल सर्जन बिहार के हम लोगों ने पुनः इस चीज़ को रिपीट किया है कि इस तरह के कहीं भी प्राइवेट में हो रहा हो किसी भी ज़िले में तो जिला स्वास्थ्य समिति को इस पर विशेष नज़र रखनी है और वो लोग अनुमति ले और जो OT है उसका भी इंस्पेक्शन होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सीवियर लैप्स है प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा और इसको लेकर भी आज विशेष रूप से सभी सिविल सर्जन्स को और सभी संबंधित को हम लोगों ने कड़े निर्देश दिए हैं। सर अभी जो आपने पहल हो चुकी है और बहुत जांचों उपरांत प्राथमिकी दर्ज की गई है कानून निश्चित रूप से अपना काम करेगा और ये बहुत ही दुखद और बहुत सीवियर लैप्स है तो FIR को दर्ज किया गया है और हम लोग इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं तो वो एक पहलू है, पुलिस अपना काम कर रही है। और दूसरा जो हम लोगों के लिए अभी कंसर्न है, जो अभी आप लोगों ने देखा है, हम लोग राज्य सरकार स्पष्ट है इस बात पर कि जितने लोग उस डेट को उनका हुआ है उन सभी का चेकअप हम लोग इलाज यथासंभव यहीं पर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में फ्री में उनके लिए करवाएंगे। सर इतने लोगों ने आंखों की रोशनी, FIR जब किया जाता है वो एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि कार्रवाई कितनी जल्दी होगी। प्राथमिकी दर्ज जाँचों उपरांत की गई है और मैंने आपको ये भी कहा है कि ये बहुत गंभीर लैप्स है तो वो कार्रवाई अलग है, वो अपनी जगह पर है, वो पुलिस विभाग के द्वारा की जाएगी और पूरी जांच के बाद FIR हुआ है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर बिंदुओं हर पहलू पर जांच करके तभी प्राथमिकी दर्ज की गई है ताकि जो भी दोषी हों इसके लिए उन पर कार्रवाई हो। धन्यवाद। तो आपने सुना अमृत जी ने क्या कुछ कहा, उनका साफ कहना है कि सरकार अपने खर्चे पर सभी का इलाज कराएगी। तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, जैसे ही पेशेंट आता है हम आपको उस वक्त का भी विजुअल दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे देसी बिहार।